हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 7:15 हो रहे हैं। कृषा जो है अभी सो रही है और मैं अभी भी उठी हूँ। जस्ट आज थोड़ी सी लेट हो गई है उठने में, क्योंकि आज थोड़ा ना मतलब कल पापा आए थे वहाँ से, कंपनी से आए थे, थोड़ी दूर काम करते हैं वो, तो कल आए थे, छुट्टी थी उनकी और आज मॉर्निंग में चले गए हैं। तो पापा ने कल जो है कूलर वगैरह लगाया था, तो जो है कल रात को बड़ी अच्छी नींद आई, इसलिए जो है कीचड़ भी अभी तक सोई हुई है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, इसलिए, क्योंकि दिल्ली में जो है बहुत गर्मी हो रही है, तो इसलिए कल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद आई है, इसलिए सो गए थे, ज़्यादा ही सो गए। और अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने जा रही हूँ, यहीं पर ही है पास में ही, तो वहाँ से दूध लेकर आते हैं। मॉर्निंग से एक दो दिन से ला रही हूँ, तो अभी फिर जाऊँगी दूध लेने, फिर उसके बाद आके जो है कूलर में पानी भरूंगी, क्योंकि पानी वगैरह भरना होता है, मुझे दोपहर को भी गर्मी लगती है, तो दोपहर को चलाना होगा ना, तो इसलिए। तो चलिए पहले मैं फटाफट लेकर आ जाती हूँ, दूध लेकर आ जाती हूँ, नहीं तो जो है कीशा उठ जाएगी। अगर उठी होती तो मैं कीशा को भी ले जाती, बट अभी सोई हुई है, तो मैंने कहा फटाफट दूध ले आती हूँ और फिर उसके बाद जो कूलर में आके मैं पानी वगैरह भरूंगी। बस अभी तो मैं जो है ऐसी बालकनी में ना खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर ही देती हूँ। तो चलिए पहले मैं लेके आ जाती हूँ दूध। एक फुल एक फुल तो दूध लेकर, अब ये दूध लेकर आ गए, और प्रीशा के लिए ना ये लेकर आई हूँ एक ये लीची का फ्लेवर का। और अब मैं कूलर में पानी भर लेती हूँ, और जो मम्मी है लगा रखी है, मम्मी ने मशीन लगा रखी है, बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो मम्मी कपड़े धो रही है, और आपको कूलर की भी आवाज आ रही होगी। तो चलिए पहले मैं फटाफट कूलर में पानी भर लेती हूँ। और मैं अभी कूलर में ना पानी भरने आ रही थी, तो ये देखिए यहाँ पर ना हमारे वहाँ पे आम का पेड़ है, तो आम लगे हुए हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, दिख जाता है तो। देखिए कितने सारे आम लगे हुए हैं, दो आपको पक्के पके हुए दिख रहे होंगे और कुछ देखो कच्चे आम हैं। और जहाँ पर हम जिस एरिया में रहते हैं दिल्ली में, यहाँ पर मोस्टली हर तरीके के पेड़ पौधे मोस्टली मिल ही जाते हैं आसपास कहीं ना कहीं। तो अब मैं यहाँ पर भर रही हूँ, कूलर में पानी भर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है कूलर वगैरह खोल रही थी, तो ये थोड़ा ना यहाँ पर इजी हो जाता है, एकदम बालकनी में आओ और यहाँ से जो है डायरेक्ट भर लो बाल्टी लेके। और कृष्णा भी देखिए अब उठ गई है, और वो बाल उसके मैं बाल बांध रही थी, अभी अभी उठी है, अंदर से आई है, उसे पता चल जाता है कि मम्मी जो है इधर ही उधर होगी। अगर मम्मी भी नहीं होती हूँ, मतलब मैं नहीं होती हूँ, तो वो थोड़ा भी चुप रहती है, क्योंकि इसे थोड़े दिन हो ही गए हैं, एक शुरू शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं टिक रही थी ये। तो यहाँ पर देखिए मैं कूलर में पानी भर रही हूँ, और पाइप से नहीं भरती, जो पाइप है एक तो जो है थोड़ा उसका कनेक्शन मशीन में कर रखा है, और जो पाइप है थोड़ा फिर उसको लगाओ वो करो, तो फटाफट जो है हम उसे भर लेते हैं बाल्टी से। तो कूलर में पानी डाल लिया है, और कृष्णा जो है मैं लीची फ्लेवर का जो जूस लाई थी, तो कृष्णा पी रही है यहाँ पर बैठ के, ये भी जस्ट अभी उठी है, और उसने देख लिया ना ये पर भार पड़ा हुआ था, तो ये कह रही है मुझको दे। और अब मैं थोड़े से जो है बर्तन धो लेती हूँ, और किचन वगैरह हल्का फुल्का साफ कर लेती हूँ, हल्का सा ऐसे कपड़ा वगैरह मारना है, और बर्तन है थोड़े से वो क्लीन कर लेती हूँ, और मम्मी धो रही है कपड़े, और जो जरूरी कपड़े थे ना, तो थोड़े कुछ थे कपड़े जरूरी कपड़े, वो मैंने मॉर्निंग में जो है धो लिए थे, जैसे मैं उठी ना जब, तो मैंने थोड़ा सा धो लिए थे, मैंने भिगो के रख दिए थे, मैंने जो है कुछ चाहिए थे जरूरी कपड़े, तो मैंने ना रात को थोड़े गंदे हो रहे थे, तो मैंने भिगो के रख दिए थे, तो मैंने जैसी उठी तो मैंने फटाफट वो धो लिए, फिर जाके मैं दूध वगैरह लेने गई। तो चलिए मैं फटाफट जो है बर्तन वगैरह और थोड़ा सा किचन साफ कर लेती हूँ,
पे बैठे बैठे भी ना होता है कि क्या ही करें, तो इसलिए मैंने कहा कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ बर्तन वॉश कर रही हूँ, और कृषा भी जो है बस खेल रही थी इधर उधर, और उसको मैंने कुछ खाने को दे दिया था, फ्रूट्स वगैरह दिए थे, शायद से आम दिया था या सेब का। अब तो सेब भी खा लेती है, पहले वहाँ पे सेब नहीं खाती थी, कभी आम खा लेती है कभी सेब खा लेती है। तो बैठ के वो खा रही थी और कभी बालकोनी में जा रही थी इधर उधर, मतलब ऐसी खेल में लगी हुई थी। और जो काम वगैरह है, जैसे मैं यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं हो पाता मायके में एज़ अ कंपैरिजन जब अपने घर में करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ को मैनेज करना, सब कुछ करना होता है, और मैं अकेली होती हूँ, इसलिए जब वही होता है ना, दो जने साथ होते हैं तो काम थोड़ा बर्डन भी कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। मायके में आ रखी हूँ तो थोड़ा बहुत जो है मैं काम कर लेती हूँ, बैठे बैठे भी ना बोर हो जाते हैं। आप कब तक बैठे रहोगे कि कुछ काम नहीं करोगे, तो बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं। और आपको जैसे पता ही है मैं काम करती रहती हूँ, और जो है मेरा वेट भी जो है बढ़ गया है, तो मैं सोचा काम करती रहूँगी, जैसे दूध ले आना, थोड़ा वॉक कर लेना, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा जो है फिर बैठे बैठे कहीं जो है और वेट जो है बढ़ ना जाए, तो इसलिए काम करना मस्त भी होता है, सही भी रहता है, काम करते रहिए अपना। अभी बैठे हुए हैं बालकनी में, बैठे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, तो इसलिए मैंने कहा बालकनी में बैठ जाती हूँ। और पीछा खा रही है, ये कटोरी खा रही है और चिप्स खा रही है केले के। इसने दूध वगैरह पी लिया है, पहले दूध पिया था, उसके बाद इसने थोड़ी देर बाद नहाया था, नहा भी लिया है, दूध भी पी लिया है, और अब ये मांग रही थी कि मुझे ये दे, खाती है ना केले के चिप्स और कटोरी, तो मांग रही थी कि मुझे भी दे दे थोड़े से। और फिर उसके अभी थोड़ी देर बाद मैं नहाऊंगी, मुझे आज जो है हेयर वॉश करने हैं, अभी पहले मम्मी नहाएगी फिर उसके बाद देन मैं नहाऊंगी। अभी मम्मी कुछ कर रही है काम, तो इसके साथ मैं तब तक बैठी हुई हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अकेले अंदर ये बैठ नहीं रही है। ठीक है, फिर कह रही है बाहर चल बालकोनी में आने को, कह रही है अब आ रही है बालकोनी में, पहले नहीं आ रही थी तो अब आ रही है, कह रही बालकोनी में चल, तो बालकोनी में कोई साथ में बैठे होना चाहिए इसके। तो मम्मी ने कहा पहले मैं फटाफट थोड़ा सा जो है काम कर लेती हूँ और नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद तू नहा लियो, तो फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। गर्मी से लग रही है ना, तेल वगैरह लगा रखा है, तो गर्मी में जो है तेल लगा के थोड़ी और गर्मी लग जाती है। यहाँ पर मैं आपको तब तक दिखाती हूँ कितने सारे यहाँ पर, जहाँ पे हमारी बालकोनी से कितने बहुत सारे पेड़ वगैरह खूब सारे हैं, यहाँ पर पूरी हरियाली हरियाली है। और यहाँ पर देखिए कितने जो मैं आपको दिखा रही थी, पूरी ग्रीनरी दिखा रही थी, इससे तो आप पूरा अच्छे तरीके से जज नहीं कर पाओगे, बट हम जहाँ रहते हैं इतनी ग्रीनरी है, इतने पेड़ पौधे हैं हर जगह, और इसलिए थोड़ी सी भी यहाँ पर बारिश वगैरह हो जाती है ना, तो हवा वगैरह सब मौसम तो बढ़िया हो जाता है। अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज गए हैं, सबने जो है नाश्ता कर लिया है, और ये कृषा और निवी दोनों खेल रहे हैं, दोनों को ना एक ही डिब्बा यहाँ पर दे रखा है, इसको इसको भी हॉर्लिक्स, ये वुमेन, मतलब दोनों को एक ही डिब्बा दे रखा है, तो जब भी चीज चाहिए ना दोनों को एक ही चीज चाहिए। ये देखिए दोनों के पास डिब्बे हैं, दोनों डिब्बे से खेल रहे हैं, अगर एक से भी छीन लेंगे ना तो कहेंगे तू मुझे दे तू मुझे दे। ये देखिए इनको अगर कोई भी चीज देंगे ना, कोई भी, दोनों को सेम ही चीज चाहिए होगी, अगर एक के पास नहीं होगी तो लड़ाई करने लग जाएंगे। ये देखिए दोनों के दोनों डिब्बे से ही खेल रहे हैं, और कुछ नहीं चाहिए दोनों को, डिब्बे ही चाहिए दोनों को। बस इन दोनों से कुछ भी ले लो, इन दोनों से मतलब एक दूसरे से खेल रहे हैं ना ये, तो कुछ भी ले लो बस रोने लग जा रहे हैं। और मुझे लग रही है बहुत गर्मी लग रही है, मैंने ना जैसे हेयर वॉश किए हैं तो बाल अभी खोल रखे हैं, बांध रही हूँ ना तो अजीब सा हो रहा है, जब तक बाल सूखते नहीं है ना, बाल सूख जाएं और बाल बनाना लो तब जाके मैं बांधती हूँ, थोड़ा बांध तो मैं अभी भी रही थी, मगर यहाँ पे ना ये इससे क्लचर से बांध रही थी तो दर्द होने लग जा रहा था, थोड़ी देर बाल खोले हैं तो अभी गर्मी सी हो रही है बहुत ज्यादा। बस पूरा दिन यही चलता रहता है, दोनों को चाहिए तो कभी कभार ऐसा होता है दोनों को सेम ही चीज चाहिए, वरना दो चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए, कोई बॉल होगी कुछ भी होगी, लेंगे तो दोनों लेंगे, अगर नहीं लेनी तो दोनों फेंक देंगे, तो दोनों में से फिर किसी को भी नहीं चाहिए।
तो ये देखिए अब यहाँ पर ये दोनों पानी पी रहे हैं, पहले बॉक्स से खेल रहे थे फिर थक गए, फिर दोनों को ही पानी चाहिए, वो भी सेम ग्लास में चाहिए। और जब तक पहले का पानी ख़त्म नहीं होगा तो दूसरा जो है पीते ही रहेंगे, जब तक एक दूसरे को देख देख के कि पानी ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ। तो जब पानी ख़त्म होगा पीते पीते, तो देखिए दोनों का यहाँ पर जो है पानी एक साथ ही ख़त्म हो गया। और ये रखने गया, एक रखने जाएगा तो दूसरा भी जो है रखने जाता ही जाता है। देखिए नीवी ने रखा, तो यहाँ पर कृष्णा ने भी यहाँ पर जो अपना ग्लास है यहाँ पर रख दिया। और अब देख रहे हैं दोनों कार्टून देख रहे हैं, जो दोनों टैब है वो भी मेरा है और मोबाइल भी जो है वो भी मेरा है। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ अपने जो छोटा भाई है उसके मोबाइल से बना रही हूँ, तो जो है निवान है वो टैब नहीं लेता है और उसको मोबाइल ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो मोबाइल को ऑपरेट मतलब चला लेता है, जो अपना कार्टून वगैरह जो है थोड़ा बहुत वो लगा लेता है। और कृषा को जो है टैब चाहिए होता है, वो मोबाइल नहीं लेती है। तो मोस्टली जो है निवान है उसको मोबाइल ही चाहिए होता है, टैब भी ले लेता है बट इतना अच्छा नहीं लगता उसको टैब, वो मोस्टली मोबाइल से ही कार्टून वगैरह जो भी देखना उसी से देखता है। तो अभी टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं और मैं खा रही हूँ खाना, राइस है और भटकी टुड़कानी है, पहाड़ी में जो पहाड़ी होते हैं उन्हें पता होगा भटकी टुड़कानी, और पनीर बटर मसाला की सब्जी है और थोड़ा अचार है। खाने के लिए तो वही है ना, खाने के लिए बना बनाया ना मिल जाए बस कुछ भी, तो खाई लेते हैं। और जो कृषा और नीवी है दोनों सो गए हैं, सोए हुए उन्हें आधा घंटा हो गया, खाना खाकर सोए हैं वो दोनों। तो अब उठेंगे 4:30 या 5 बजे तक उठेंगे मे भी। तो चलिए अब मैं खा लेती हूँ खाना। अभी हम बैठ के पी रहे हैं चाय और टाइम हो गया है 6 बज गए हैं, और ये दोनों भी कृषा और निवान भी अभी आधे पौने घंटे पहले उठे हैं। पहले निवान उठ गया था फिर उसके बाद कृषा उठी। और अभी मैंने जो है भाई से, छोटा वाला भाई से मंगाया ब्रेड पकौड़ा मंगाया है। और आज आ गई है, बारिश आ गई है और हवा चल रही है, अभी ज्यादा तेज नहीं आ रही, हल्की फुल्की आ रही है, अभी दिखाती हूँ मैं, ज्यादा नहीं आ रही। ये अभी बारिश आ रही है, हवा अच्छी चल रही है मगर। और ये रहा निवान, ये बारिश के मजे ले रहा है। कैमरे में पता नहीं बारिश इतनी दिख रही नहीं होगी, मगर ये जो आवाज आ रही है ऊपर, ये जो टिन का लगा रखा है ना ये उसमें आ रही है ज्यादा आवाज, वैसे इतनी तेज आ नहीं रही है बारिश। जैसी बारिश आई और निवान अंदर नहीं आ रहा है, इसको मम्मी कुछ वो पिला रही है ना, दूध वगैरह पिला रही है, तो कह रहा है मैं जब बाहर जाने दो। बदमाश हो गया ये, मेरा बदमाश है। अरे 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 चेयर में बैठो। तो अभी हो गया है, मौसम जो है एकदम अच्छे वाला हो गया है, एकदम मस्त मौसम हो गया है और बारिश भी आ रही है, हवा भी चल रही है। यहाँ से तो ऐसे आपको पता नहीं चल रहा होगा, अगर बालकनी में बैठ जाओ ना, बालकनी में बैठ जाओगे तो इतनी अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और यहाँ से भी जैसे खिड़की खोल दी, और यहाँ पे भी ना बालकनी में जैसे दरवाजा है यहाँ पे भी खोल दिया, उस वाले का भी खोल दिया, तो मतलब चारों तरफ से खोल देते हैं दरवाजा तो और ठंडी हवा आती है। और रात को जो है कूलर लगा दिया है तो और ज्यादा आज जो है ठंडी हवा आएगी। और यहाँ पर ये चिल्लाने के लिए नीवी कृषा खेल रहे हैं। तो चलिए अब मैं भी इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का यहीं पर एंड। और आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और यहाँ पे जो है ब्लॉग का एंड तो कर दिया था बट देखिए कितनी मस्त बारिश हो गई है एकदम।